उदयपुर में 10 दिन पहले हुए दिल दहला देने वाले पैंथर के हमले की जांच अब तक चल रही है। हमले में महिला का सिर धड़ से अलग कर ले जाने वाले पैंथर की तलाश करने के लिए वन विभाग ने 3 पिंजरे लगाए। 7 ट्रैप कैमरे और ड्रोन से भी तलाश जारी है। अब वन विभाग की टीम ने नया पैंतरा आजमाया है। पैंथर को मैटिंग के लिए उकसाने का पैंतरा आजमाया जा रहा है। हालांकि ये बात भी है कि किसी को नहीं पता कि हमला करने वाला पैंथर नर था या मादा। बता दें कि 3 महीने में आसपास के क्षेत्र में पैंथर ने 3 हमले किए। 8 सितंबर को 45 साल की रामली बाई पर पैंथर ने हमला किया। महिला का सिर धड़ से दूर मिला था और इसके बाद विरोध में लोगों ने हाईवे जाम किया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उदयपुर से हमारे संवाददाता विपिन जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव। विपिन, आपसे जानना चाहेंगे, उदयपुर में पैंथर का अटैक लगातार जारी है, ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, वन विभाग की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं यहां पर की जा रही हैं? जी बिल्कुल, ये जो 8 सितंबर को जो घटना हुई थी किरट से, किरट उत्पन्न क्षेत्र है, वन रेंज पड़ता है, वहां पर महिला के ऊपर उसने अटैक किया था। 45 वर्ष की महिला थी जो जंगल में अपना जो रोजमर्रा का जो काम रहता है ग्रामीणों का वो करने के लिए पहुंची थी। वहां हमला करने के बाद वो 5 फीट की दूरी पर सर और धड़ दोनों अलग मिले थे। उसके बाद में ग्रामीणों ने विरोध किया, विरोध के बाद में हाईवे जाम किया, फिर प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में समझौता वार्ता हुई और उसके बाद में शांत हुआ था मामला। लेकिन 8 सितंबर के बाद से अब तक वन विभाग की टीम जो है उस पैंथर को लगातार पकड़ने का प्रयास कर रही है। इसके लिए पहले वन विभाग ने 3 अलग अलग जगहों पर पिंजरे लगाए गए, पिंजरों में वो पकड़ में नहीं आया। उसके बाद 7 अलग अलग जगहों पर कैमरा ट्रैप लगाए गए, उन कैमरा ट्रैप में भी नहीं पकड़ में आया। उसके बाद वन विभाग की टीम ने जो है ड्रोन का इस्तेमाल किया और उससे तलाशी की। अलग अलग पूरा जो झाड़ोल रेंज जो है वन विभाग का, उस पूरे झाड़ोल रेंज में ड्रोन से निगरानी की, तब भी नहीं पकड़ में आया। तो ये पैंथरा आजमाया कि अगर वो हमला करने वाला अगर नर पैंथर होगा, क्योंकि वो टेरिटरी पैंथर बहुत ही मुश्किल से चेंज करते हैं, तो वो अपनी टेरिटरी में होगा। तो उन्होंने जोधपुर से, क्योंकि उदयपुर के जो बायोलॉजिकल पार्क है उसमें यूरिन एकत्रित करने की व्यवस्था नहीं है, तो जोधपुर जू से उन्होंने यूरिन मंगाया मादा पैंथर का, और उन्होंने पिंजरे के आसपास जो क्षेत्र है जहां पर वो पैंथर का मूवमेंट हो सकता है वहां पर इंजेक्शन के द्वारा उस यूरिन का छिड़काव किया, ताकि अगर नर पैंथर होगा तो वह उसके मादा पैंथर के यूरिन की खुशबू से आ जाएगा, क्योंकि अभी जो मानसून का समय है उनके मेटिंग का टाइम होता है, तो ये तरकीब अपनाई, लेकिन उसने अभी तक सफलता प्राप्त नहीं की है। बिल्कुल विपिन, देखिए लगातार यहाँ पर हमले बढ़ रहे हैं, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, लोगों को घरों से बाहर निकलने में भी अब डर लग रहा है। वन विभाग की टीम यहाँ पर क्या कोशिश कर रही है पैंथर को पकड़ने के लिए, किस तरीके से प्रयास किया जा रहा है ताकि लोग यहाँ पर चैन से रह सके? झाड़ोल वन रेंज की जो बात करें, जहाँ पर महिला का सर धड़ से अलग किया था पैंथर ने, उसके पास में ओगणा और उसके साथ में फलाकिया, जो 2 रेंज पड़ते हैं, वन खंड पड़ते हैं, इन तीनों वन खंड को मिलाकर 35 करीबन पैंथर का मूवमेंट रहता है। इन वन खंडों को करीबन 6 से 7 पैंथर एक वन रेंज में है। तो जैसे पर्यावरण प्रेमी और विशेषज्ञ बताते हैं कि 2 प्रकार के पैंथर है, जो एक पूरे सुरक्षित एरिया में रहते हैं और दूसरा जो सुरक्षित एरिया से बाहर रहते हैं। वो सुरक्षित एरिया से बाहर रहने वाले जो पैंथर है उनका ज्यादातर आमना सामना होता है। इसके लिए वन विभाग की तरफ से गश्ती दल रहता है, गश्ती दल भी लगातार मूवमेंट जारी रहता है, लेकिन जो ग्रामीण है उनका ज्यादातर जो रोजमर्रा का काम है वो जंगलों में पड़ता है और वो आते जाते हैं, उनपे हमला अटैक कर देते हैं। ठीक है विपिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।